स्थान पर आने वाले के लिए भी हमने इसमें एक विशेष प्रावधान किया कि जो पार्टिसिपेंट को मिलेगा बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उससे डबल राशि, और वो जो चौथा नंबर पर आया उसको भी मिलेगा। हमने खेलों के साथ साथ जो अन्य अवार्डीज, खास करके जिनको विशेष राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अवार्ड घोषित किए जाते हैं, प्रदेश स्तर पर अवार्ड घोषित किए जाते हैं, जैसे अर्जुन अवार्डी है, द्रोणाचार्य अवार्डी है, या ध्यानचंद पुरस्कार विजेता है, इनका भी जो प्रतिमाह पहले सिर्फ 5,000 रुपया मिलता था, हमने ये विचार किया कि 5,000 रुपए में तो ठीक है कुछ ना कुछ जेब खर्चे निकलती होगी, लेकिन एक खिलाड़ी जो कम से कम अपने परिवार में छोटा मोटा खर्चा उसको करना पड़े तो ये कम है। हम उस 5,000 को बढ़ा करके अभी थोड़े ही दिन पहले 20,000 रुपया मासिक किया है, तो इसलिए उनके लिए भी जो खिलाड़ी हमारे हैं। इसी प्रकार भीम पुरस्कार विजेता, इनको पहले कुछ नहीं देते थे, इनके लिए नए सिरे से 5,000 रुपया मासिक इनके लिए मानदेय ये घोषित किया है।